दिल्ली के यमुना विहार इलाके में साइबर ठगों ने एआई टूल के जरिए एक बच्चे की आवाज की क्लोनिंग कर उसके रिश्तेदार से फिरौती वसूल कर ली। पुलिस ने इस केस दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया भर के लिए एक नया खतरा बन चुका है। दिल्ली के यमुना विहार इलाके के रहने वाले 62 साल के लक्ष्मी चंद चावला बैंक की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। उनके पास 24 अक्टूबर को एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया। उस नंबर पर इस तरह की पुलिस अफसर की डीपी लगी थी। कॉलर ने कहा कि उनके भतीजे को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे छोड़ने के लिए 1,00,000 रुपए देने होंगे। यही नहीं, कपिल से उनकी बात कराई। भतीजे की आवाज सुनकर लक्ष्मी चंद का दिल पसीज गया और उन्होंने 50,000 रुपए पेटीएम कर दिए। मुझे अननोन कोई कॉल आई। कॉल आने के बाद मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं। वो बोला कि मैं पुलिस थाने सदर से बोल रहा हूँ और पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये आपका बच्चा है, इसको किडनैप किया हुआ है। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनाई, मेरे को सारा कुछ सुनाया और बिल्कुल उसकी आवाज़ मिलती थी। तो मतलब जो बच्चा बोल रहा था वो उसकी आवाज़ कपिल से बिल्कुल मिल रही थी। बिल्कुल मिल रही थी। अच्छा, तो मैंने पूछा भाई आप क्या चाहते हो। उसने कहा कि आप 70,000 रुपये भेज दो। तो मैंने कहा कि मेरे पास 70,000 रुपये तो नहीं है, मैं तो 50 भेज सकता हूँ। तो उसने कहा कि 50,000 रुपये आप भेज दो, बाकी देखते हैं। समय खराब। लक्ष्मी चंद ने पैसे देने के बाद कपिल के परिवार को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लक्ष्मी चंद को लगा कि घटना सही है, लेकिन जब आरोपियों ने उनसे फिर से 2,00,000 रुपए मांगे तो 2-3 दिन बाद उन्होंने फिर से कपिल के परिवार को फोन किया। पता चला कि कपिल घर पर है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दरअसल साइबर ठगों ने वारदात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। A1 टूल के जरिए उन्होंने कपिल की वॉइस क्लोनिंग की और कपिल जैसी आवाज में बात कर लक्ष्मी चंद को भावुक कर दिया और पेटीएम के जरिए 50,000 रुपए ऐंठ लिए। यही नहीं, आरोपियों ने 50,000 की पेमेंट का क्लियर मैसेज भी मांगा। सर, जो इसका मैसेज है ना, मतलब कि जहाँ पे आपने 50,000 लिख के सेंड किया है, वो उसका पीडीएफ मुझे क्लियर भेजिए। उत्तरी पूर्वी दिल्ली की साइबर सेल ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिसको लेकर वैश्विक नियम बनाने की तुरंत और सख्त जरूरत है, वरना यह दुनिया के विकास के साथ साथ आतंकियों का हथियार भी बन सकता है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI कॉन्फ्रेंस में कही। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। भारत मंडपम में जुटी दुनिया भर के AIR के जानकार और कंपनियां AI का इस्तेमाल करके डीप फेक से लेकर बैंकिंग फ्रॉड के खतरे से कैसे निपटा जा सकता है, कई कंपनियां लोगों को इसके बारे में बता रही हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री ने दुनिया को AI के खतरे से आगाह भी किया। AI 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में AI टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास AI लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI समिट 3 दिन तक चलेगी। इसमें 28 देशों के 150 से ज्यादा वक्ता और AI स्टार्टअप कंपनियां भाग ले रही हैं। आज इस समिट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आह्वान करता है कि इस दिशा में
हमें अब एक पल भी गंवाना नहीं है। इस साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। एआई का इस्तेमाल जहां शिक्षा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मानव कल्याण के लिए हो रहा है, वहीं एआई का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी भी हो रही है। यही वजह है कि इस समिट में एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति की कोशिश हो रही है। नई दिल्ली से रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। Artificial intelligence emerges as a frontier where exponential growth transforms imagination into reality. JNU की बात करते हैं, जहां अब छात्र धरना प्रदर्शन करेंगे तो 20,000 रुपए जुर्माना लगेगा। अगर देश विरोधी नारे लगाएंगे तो 10,000 रुपए फाइन लगेगा। प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय से निकाला भी जा सकता है। JNU के छात्र संगठन इसे लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो हम प्रदर्शन के जरिए उस तरफ ध्यान इंगित करते हैं। ऐसे में इस तरह का बैन, इस तरह का फाइन जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ है और उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। देखते हैं शरद शर्मा की रिपोर्ट। जिस JNU से मौजूदा सरकार के दो दो कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर निकले, जहां से लेफ्ट की राजनीति के प्रकाश करात और सीताराम येचुरी निकले, वहां अब राजनीतिक आंदोलन का रास्ता रोकने वाले आदेश निकाले गए हैं। इन आदेशों के तहत शैक्षणिक और प्रशासनिक परिसर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी धरना, भूख हड़ताल, विरोध आदि नहीं होगा। ऐसा करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है और 2 सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। JNU में रहने वाले लोगों के घर के आसपास प्रदर्शन करने या उनकी निष्ठा भंग करने या धमकाने पर भी 20,000 रुपए का जुर्माना होगा और यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। देश विरोधी पोस्टर या पैम्पलेट छापने और चिपकाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेफ्ट छात्र संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। JNU वो यूनिवर्सिटी है जहां पे अभी भी देश के तमाम गली कुंचों से, गांव से आने वाले स्टूडेंट्स अभी भी JNU का सपना देख सकते हैं। JNU में स्टूडेंट्स पढ़ने का सपना इसलिए देख सकते हैं क्योंकि JNU का इतिहास है, धरने का, प्रोटेस्ट का इतिहास है। हम वही यूनिवर्सिटी बन जाएंगे जहां पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, जहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टूडेंट बॉडीज को रिप्लेस कर दिया जाएगा काउंसिल से या बॉडी से, संभालने वाली बॉडीज से। आज तमाम यूनिवर्सिटीज में यही हो रहा है। केवल लेफ्ट ही नहीं बल्कि राइट भी, यानी ABVP इसका पुरजोर विरोध कर रही है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन देखने के बाद मेरा ये पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि सजेशन मान लो, ऑब्जर्वेशन मान लो कि JNU का जो मोटो है ना, कि अभी जो रिसेंटली आया कि डार्कनेस अनटू लाइट, उसका प्लेस में रखना चाहिए था डेमोक्रेसी अनटू डिक्टेटरशिप। अच्छा। क्यों? कि ये जो मेजर्स आया है इसमें आपको दे आर नथिंग बट टू स्टिफल द स्टूडेंट एक्टिविज्म इन द कैंपस एंड टू सी द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। JNU कुलपति का कहना है कि ये सारे नियम कायदे पहले से ही थे, उन्होंने केवल इन नियम कायदों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास करवाया है। सर, पहला है ये मैनुअल नया नहीं है। अच्छा। ये मैनुअल में आने से पहले ही इतने फाइन भर रहे थे। अच्छा। ये सिर्फ हमने लीगली साउंड कर दिया क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट से बच्चों दिल्ली हाईकोर्ट गई, जाने के बाद वहाँ दिल्ली हाईकोर्ट से हारने के बाद आकर यहाँ फाइन भी भरे थे, जितना अभी है वही है। मैंने कुछ नहीं बदला, इतना ही वो डॉक्यूमेंट को हम थोड़ा लीगली साउंड कर दिया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये कदम JNU के भीतर देश और समाज की लोकतांत्रिक समझ बढ़ाने के अवसर सीमित नहीं करेगा? दुनिया भर में विश्वविद्यालय विचार विमर्श का केंद्र होते हैं। छात्र यहाँ पर केवल कोर्स नहीं पढ़ते बल्कि देश और समाज की राजनीतिक समझ भी विकसित करते हैं। वो धरने करते हैं, आंदोलन करते हैं और अपनी एक राय बनाते हैं। JNU में ये परंपरा बहुत पुरानी है और यहाँ से हमारे कई बड़े नेता निकले हैं। JNU में धरना प्रदर्शन बाधित करने का ये फैसला उसी बौद्धिक सामाजिक परंपरा पर चोट है। इससे विश्वविद्यालय की गरिमा तो कम होती ही है, साथ में छात्रों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा।
दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। और अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां मौसम की पहली बर्फबारी जोशीमठ में देखने को मिली। आपको तस्वीरों में हम दिखाते हैं किस तरह से पहली बर्फबारी यहां पर हुई है। यहां तापमान में काफ़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड की है, जोशीमठ में हमने देखा था किस तरह से खबर आई थी कि यहाँ पर कई घरों में दरारें आ गई हैं। और अब ये जो स्नोफॉल हुआ है, जाहिर सी बात है वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन जो पर्यटक पहुँच रहे हैं वो इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं। औली में पहुँचे हैं, औली जो है एक वहाँ पर स्कीइंग के लिए भी जाना जाता है, लोग बड़ी संख्या में जाते हैं, पर्यटक वहाँ पर उसका मज़ा लेते हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के औली की तस्वीरें जहाँ पहली बर्फबारी इस सीज़न की हुई है।